की बड़ी खबरों का। उत्साहजनक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतकों को देखते हुए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाजारों में नवंबर माह में अब तक 17,772 करोड़ रुपए की लगाई पूंजी। खुदरा व्यापारियों के अखिल भारतीय संगठन कैट ने सीतारमन से की अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कथित कर वंचन के जांच की मांग। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत आंगनवाड़ी में स्मार्टफोन उपकरणों की खरीद की प्रगति में कमी आने से नीति आयोग ने राज्य सरकार को अधिक तेजी से कार्य करने की दी नसीहत। सेंसेक्स की शीर्ष 10 कंपनियों में से 7 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण संयुक्त रूप से 76,164 करोड़ रुपए हुआ कम। न्यायालय ने राज्यपाल और फडणवीस को पत्र पेश करने के दिए आदेश, वहीं विपक्षी गठबंधन ने किया बहुमत का दावा। देश में पेट्रोल के दाम लगातार तीसरे दिन बढ़कर 7 सप्ताह में अधिक स्तर पर पहुंचे। जिला ऊना में बनाया गया हिमाचल प्रदेश का पहला अल्ट्रा मॉडर्न बस अड्डा। बस अड्डे में 200 गाड़ियों की पार्किंग के साथ मिलेगी शॉपिंग मॉल की सुविधा। हिमाचल की पंचायतों को 490 करोड़ रुपए जारी वित्त योग के तहत वित्तीय वर्ष की यह दूसरी और अंतिम किश्त। हिमाचल प्रदेश में 10वीं व 12वीं के कंपार्टमेंट वाले छात्रों को बड़ा झटका, अब परीक्षा आवेदन को 450 रुपए की जगह भरनी होगी 2,450 रुपए फीस। प्रदेश में फरवरी 2020 से बदली जाएंगी बिजली बिल जमा करने की व्यवस्था, सरचार्ज का पैसा डूबने पर किया गया है अहम फैसला। देश विदेश की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए सटन न्यूज़।